ओम शांति। सबसे पहले समय जो कह रहा है वो कह रहा है, मीठे बच्चे, समय बहुत तीव्रता से जा रहा है, इसीलिए तीव्रता पुरुषार्थ में भी लानी है। संकल्पों के खजाना को विशेष आप सभी को जमा करना है और उसके लिए आपको रोज मुरली 3 बार सुननी या पढ़नी अवश्य है। गहराई से मुरली का मनन चिंतन करें। मुरली का एक एक महावाक्य पद्म पदम कमाई का, ज्ञान रत्न का, और वो मुरली परमात्मा के द्वारा जो उच्चारी गए है वो मुरली का पॉइंट का मनन चिंतन करना। स्वमान की प्रैक्टिस रोज करनी है। जब आप स्वमान में टिके रहते हैं तो मान स्वतः ही पीछे लगा रहता है। 5 से 7 बार दिन में 5 स्वरूप का अभ्यास जरूर करें। हर वीक कोई भी अव्यक्त मुरली ले लें और उसे 1 वीक तक नए नए पॉइंट्स निकाल कर लिखें। ये प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, और परमात्मा जो हमें परहेज करने कहते हैं वो है आपके जीवन में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है उससे परहेज करें, उसे इकट्ठा ना करें। न्यूज़, अश्लील वीडियो, क्राइम सीरियल्स, ये सब बिल्कुल भी नहीं देखना है। परमात्मा कहते हैं इन सब को देखने से आपकी बुद्धि मलिन होती है। आज 13/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार, मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ, यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान, भगवती, देवी देवता बनना है। प्रश्न है, श्री बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर, श्री बाबा सभी बच्चों को बर्थ नॉट पेनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर श्री बाबा ना आते तो हम बच्चे किस काम के नहीं थे। गरीब निवास बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासीपने से छुड़ाने, इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत है, ओ माता ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूँ तो हर एक को अपनी माँ है, लौकिक में है ना, यह फिर है जगदम्बा। ये एक की नहीं, जग की जगदम्बा है ना, माँ सबकी, दुर्गा कहते हैं ना, तो ये सरस्वती जो हैं जगत अम्बा हैं। तुम तो जानते हो यह किसकी महिमा है, जगत अम्बा। कितना बड़ा मेला लगता है, जगत अम्बा का लगता है ना मेला। जगत अम्बा कौन है यह कोई नहीं जानते, बस वही चित्रों में देख लिया है और वही टीवी के सीरियल्स में देख लिया है, रियलिटी में तो कभी देखा नहीं है, क्योंकि रियलिटी में तो जगत अम्बा प्रजापिता विश्व ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो परमात्मा ने ब्रह्मा की जो बेटी कहो, लेकिन उसे देखो फिर कह दिया कैसे, बोलने मम्मा कहते ना तो परमात्मा ने जगत अम्बा और इन माताओं पर कलश रखे हैं, तो ये तो प्रजापिता ब्रह्मा हैं, तो फिर एक माँ भी चाहिए है ना। लेकिन ये मुख वंशावली हैं, अडॉप्टेड हैं, है ना, क्योंकि बाबा ने कई बार समझाया है कि बिना स्त्री के फिर कैसे काम बनेगा ना। अब वो तो मेल हैं जो माँ हैं, बाबा कहते ब्रह्मा माँ, तो फिर जगत अम्बा भी चाहिए पालना करने के लिए, तो ये राजराजेश्वरी फिर यही विश्व विश्वेश्वरी बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है ना, जगत अम्बा कौन है यह कोई नहीं जानते, परम पिता अथवा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंचे हैं उन्होंने जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, जगत अम्बा को जितनी पूजाएं आदि दिखाई हैं वह तो है नहीं, देवियों को पूजाएं देते हैं, वास्तव में पूजा तो मनुष्य को देती जाती हैं,
वो दो ही होती हैं, चार तो हो ना सके। परमपिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की हैं दो भुजाएं, स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म बदन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, प्रवर्ती मार्ग होने कारण चतुर्भुज दिखाया गया है। सूक्ष्म बदन में भी मम्मा बाबा हैं, विष्णु का भी साक्षात्कार होता है तो वो दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। यदि लक्ष्मी को आगे पीछे नारायण को खड़ा करेंगे तो चार भुजाएं हो जाएंगी ना, दो लक्ष्मी की दो नारायण की। बाकी मनुष्यों को कोई चार भुजाएं होती नहीं, यह तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई है। देवियों को इतना भुजाएं देती हैं वो है नहीं, आठ दे देते हैं ना, बाबा कहते हैं आठ होती नहीं। सरस्वती काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो हैं अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे, श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चौचों का मुरब्बा होता है ना, होता है ना, ऑक्यूपेशन कोई का भी नहीं जानते। मालूम होना चाहिए कि इनों को हम क्यों पूछते हैं, भल उनमें उचते ऊंच कौन है, समझना है ना। बाबा कहते हैं भला अब ये सब रखते हैं तो इतने सारे हैं, अब उसमें ऊंचते ऊंच कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है, और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है, जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था, अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यह है नर्क। यह सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल फीमेल्स द्रौपदियाँ और दुर्योधन हैं। द्रौपदियाँ पुकारती हैं, हे भगवान नग्न होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियाँ देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नग्न होने से बचाया। अभी बाप आया है सब द्रौपदियाँ की रक्षा करने। श्रेय मत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे, विकार है ही नहीं वहाँ, तो इस तरह का कोई होगा ही नहीं। बाबा कहते हैं है ना, कोख से बच्चे होते, मतलब वहाँ गर्भ जेल नहीं होती ना, महल होते हैं, योग से होते ना, तो नग्न होने की बात नहीं। ये वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाप कहते दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी है। सतयुग में एक बच्चा होता है, शुभ योग बल से पहले से साक्षात्कार होता है। कृष्ण को दिखाया ना रात में कैसे हुए, लेकिन वो दंत कथा है, यहाँ परमात्मा सत्य बताते। तो जैसे तुम साक्षात्कार करते हो, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है इतनी भुजाएं वाली देवियां होती नहीं, लक्ष्मी नारायण को तो 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डिनाइस्टी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी कोई ब्रह्म कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है, सरस्वती भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मुखवंशावली सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता के मुखवंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम योगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले मुखवंशावली, तुम बने हो मुखवंशावली, फर्क है ना। तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो, तुम सब ब्रह्मा मुखवंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो।
इनमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है। वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा राजयोग सिखाती हैं, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तो जगत अम्बा को दो भुजाएं हैं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी दो भुजाएं हैं। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है, नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं, है ना? ऐसे तो हो नहीं सकता, नारायण सांवरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, व श्री कृष्ण सांवरा हो और राधे गोरी हो। हाँ, वहाँ तो विकार रूपी किसी के पास में भी धन नहीं होता, वहाँ तो सभी निर्विकारी, सभी आत्माएं गोरी होती हैं, सभी पवित्र प्योर आत्माएं पावन तन लेकर के ड्रामा में आती हैं। तो वहाँ देखो अब चित्रों में कैसा कैसा बना दिया है। सांवरा तो काले को कहते हैं ना, और काला तो कब होती है आत्मा, जब कामचिता पर बैठ मनुष्य देवता से मनुष्य बनते हैं, अर्थात द्वापर से जब विकार शुरू हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे आत्मा काली बननी शुरू हो जाती, एकदम नहीं बनती, है ना? तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से देखो कैसे बना देते हैं, एक को काला एक को गोरा, गाना भी गाते हैं, यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला ना। तो देखो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, है ना? इस समय तो सभी सांवरे हैं ना, फिर एक को काला एक को गोरा कुछ है ही नहीं, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा ही कृष्ण, ब्रह्मा ही लक्ष्मी, ब्रह्मा ही नारायण और ब्रह्मा ही फिर आकर के यहाँ देखो, अब श्री कृष्ण थे तो गोरे थे, फिर अब जब श्याम बनते हैं काले तो फिर वो ब्रह्मा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, फिर वह नाम थोड़े ही रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है, सतयुग आदि में है देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेंगे, यह है 84 जन्मों का चक्र। देखो अब बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जब सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, प्रिंस बनते हैं, फिर वही स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं, राधा एक गांव में और कृष्ण दूसरे गांव में, राधा 4-5 वर्ष बाद कृष्ण के बाद पैदा होती हैं, वो दूसरे राज्य की प्रिंस होती है, प्रिंसेस होती हैं वो प्रिंसेस, और फिर जब ये दोनों स्वयंवर होता है तो फिर इनकी डायनेस्टी शुरू होती है, यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब जब श्री कृष्ण बचपन में जैसा था, जैसी राधे थी, वैसे लक्ष्मी नारायण का रूप बदला होगा ना, उनकी रजो अवस्था है वो, तो फिर स्वरूप रंग रूप सब बदला होगा, फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया होगा 150 वर्ष की आयु के बाद, तो वो सिर्फ कृष्ण जैसे ही थोड़ी दोबारा ना पैदा होंगे, होंगे क्या, नहीं होंगे ना, जैसे आपका शरीर छूटता है, आपकी आत्मा किस घर में जा रही है, किसके किसके माँ बाप आप बनेंगे दोबारा तन लेकर के, कौन सी पढ़ाई करेंगे, आपका नाम रूप रंग रूप सब कुछ वैसा थोड़ी होगा, वही माँ बाप थोड़ी होंगे, है ना? तो यही बात परमात्मा कहते हैं कि वो जो है फिर वह नाम थोड़े ही रहता है ना, और वह लेंगे 84 के चक्र में आते हैं। तो तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी, मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं, काली की ऐसी जीव दिखाते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। अब मुझे बताओ, आप खुद ही मनन चिंतन करो, अब परमात्मा ने तो कह दिया कि ऐसी जीव नहीं होती, अब आप बताओ, आपने अभी तक का रिकॉर्ड है, आपने सुना है ना, और आजकल चैतन्य में किसी को काली के रूप में बना देते हैं, टंग निकाल देते हैं, आप कब तक, यदि आपसे कहा जाए कि आप टंग निकाल के रखो, बिल्कुल अंदर नहीं करना, तो आप कहना चाहिए कि ये संभव है, संभव है नहीं है, मगरमच्छ पर बैठना संभव है किसी का, चूहे के ऊपर 40 किलो का वजन रख के चूहा मर नहीं जाएगा, चूहा पर बैठ सकते हैं?
तो ये सब जो भी है ना बाबा कहते हैं, ये सब भयानक जो रूप दिखाते हैं कुछ भी नहीं है। आत्मा में जो भयंकर भयंकर असुरी अवगुण भरे हैं, जिसकी वजह से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मुंह से कड़वे शब्द निकालना और इस तरह से ना जाने किसके बारे में कैसे कैसे संकल्प लाना, उनको कितनी तरह से दुख देना, मुख से दुख देते हैं, कर्म से दुख देते हैं, सब तरीके से दुख देते हैं। तो ये आपके अंदर के जो अकासुर बकासुर कंस द्रौपदियाँ, चाहे वो दुशासन दुर्योधन, सब यही हैं आत्मा में अवगुण। उसे ही अवगुणों के कारण फिर आसुरी कर्म करते हैं, तो उसे कहा गया है काला। बाबा कहते हैं सूक्ष्म बतन में भी ऐसी काली तो है नहीं, कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, विष्णु तो है ही युगल, ब्रह्मा सरस्वती भी को भी तुम सूक्ष्म बतन में दिखाते हो, फिर काली भयंकर कहाँ से आई? काली का रूप बड़ा भयंकर भयानक दिखाते हैं, ऐसी कोई शक्ति थोड़े ही होगी वायोलेंस, हिंसा करने वाली। देवी देवता किसी को मार सकते हैं, भगवान किसी बच्चे को मारना सिखाएगा, काटना सिखाएगा, शेर पर बैठकर सवारी करना सिखाएगा कि बेटा इसमें बैठो, हाँ? तो बाबा कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं, किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म बतन शिव और सालिग्राम रहते हैं, जहाँ कहाँ? बाबा क्या कहते हैं, सूक्ष्म बतन में कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। गलती हो गई, सूक्ष्म बतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर है मूल बतन, है ना? सॉन्ग्स में भी आपने सुना है ना, सूक्ष्म बतन, मूल बतन, स्थूल बतन। तो सूक्ष्म बतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी साक्षात्कार के लिए संगम में परमात्मा ने उसकी रचना की है, यूं तो सिर्फ परमधाम और ये साकार लोक है। तो सूक्ष्म वेतन में बाबा ने साक्षात्कार के लिए देवी देवताओं की रचना की, फिर उसके ऊपर है मूल वेतन, जहाँ कौन? परम धाम, शांति धाम, जहाँ शिव और सालिग्राम रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में यह होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, जब आप ज्ञान में आते हैं तो दिन की दिन होता है और भक्ति होती है शुरू, तो रात होती है अर्थात दुख शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात, अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाप कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है, कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोचरा, संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, मुख्य हैं पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, यह है पतित दुनिया, तो पतित होंगे, पावन दुनिया होगी तो पावन होंगे। तो अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब बर्थ नॉट अप एनी होती, बलिहारी शिव बाबा की तो पतितों को पावन बनाती है। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं, पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो, तमो में आना पड़ता है। हर चीज का ऐसे छोटा और ऐसे ही होता है, बाबा कहते हैं छोटा बच्चा भी सत्व प्रधान होता है, है ना? उसे कहते हैं ना 5 वर्ष की आयु तक उसमें भगवान देखते हैं। क्यों भगवान देखते हैं? क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता ना, क्या होते हैं बुरे कर्म, क्या होते हैं अच्छे कर्म। उसे तो बस जब छोटा बच्चा पैदा हुआ, भूख लगी तो रो दिया, कुछ कष्ट हुआ तो रो दिया, माँ ने उसकी फीलिंग्स को समझा, माँ ने उसे खाना दे दिया, भूख लगी, कुछ दर्द दुख हुआ तो दवा लगा दी, डॉक्टर के पास चले गए, लेकर के चले गए। तो उसे थोड़े ना पता होता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी घटना होती है, उसमें सारे बड़े बड़े उम्र के बुजुर्ग हैं, टीनेजर्स हैं, कोई भी उम्र के हैं, सब शरीर छूट देते हैं, लेकिन कोई बच्चा नहीं, मतलब वो जिंदा रहता है, उसका शरीर नहीं छूटता है। पूरा बस के आसपास आप देखेंगे, बस एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से, इस तरह से जब इंसिडेंट्स होता है, कोई घटना होती है, तो वहाँ पे
सिर्फ एक बच्चा बैठा रहता है, बाकी सब शरीर छोड़ देते हैं। तो उस समय पे आपने देखा, बच्चा कभी खेलते रहेगा, उसे क्या पता है कि मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, क्या कैसा है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है असल में कि क्या हुआ है यहाँ। हाँ, अगर उसे कुछ चोट लगी होगी उस समय, या कुछ भूख भूख लगी होगी, या कुछ भी इस तरह से होगा, कुछ भी मिल जाएगा उसे, इवन कीड़े मकोड़े स्नेक कुछ भी मिल जाए, पता चला वो उसे खिलौना समझकर खेल लेगा, चारों तरफ उसको कुछ भी नहीं पता है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बालक एक संतो जो सतो प्रधान अवस्था होती है बच्चे की, तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मा ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं, बाप को ना जानने कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें भी एक हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते हैं, उसमें भी मुख्य श्री नारायण का था, सिख धर्म का होगा तो भल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक का, उन गुरु नानक को अधिक याद करेगा। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है, सनातन सत्यनाम कर्ता पुरुष अकाल मूर्त सत्युगादि सत्य है भी सत्य, अर्थात यह जो चक्र है सत्य है ना। ऐसे उसमें प्रार्थना करते हैं ना, सत्य नाम कर्ता पुरुष अकाल मूर्त सत्युगादि सत्य है भी सत्य, अर्थात यह जो चक्र है सत्य है। ये जैसे कार साइकिल का पहिया आपको नहीं पता चलता कि वो कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, कहाँ से उसने व्हील घूमना शुरू किया, आप नहीं मार्क करके भी आप नहीं पता कर सकते। तो ऐसे ही ये बेहद का सृष्टि रूपी चक्र है, ये फिरता ही रहता है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर यह चक्र जरूर लगाएंगे, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं, कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं, बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का राज समझा कर स्वादर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। भल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो, बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। भगवान बाज, हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वह है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवी देवताओं के चित्र हैं, तो एक का दाम लाख दो लाख दे देते हैं, प्राचीन चीज देखते हैं तो लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं हैं, पुरानी चीज है ना, पुरानी तो 5000 वर्ष की बात है, ऐसे नहीं कि लाखों की है। तो सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं शुरू शुरू में, क्योंकि भासना होती है ना कि शिवालय के शिवालय होते हैं सबसे पहले, क्योंकि शिव ने ही सुखी बनाया, शिव ने ही सतयुग त्रेता की स्थापना कराई, तो वो भासना आती है। बाप समझाते हैं, हे भारतवासी, कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए हैं, ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो क्या हो रही है, रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, ब्राह्मण बच्चों को ही ज्ञान प्राप्त होता है, फिर तो ये लोप हो जाएगा। बाबा कहते वहाँ कोई पतित होता नहीं जो ज्ञान दिया जाए, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, फिर गीता कहाँ से आई, वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। और एक बात सदा याद रखना, जो
सतयुग में आदि में पाठ बजाने आत्माएं सबसे पहले आती हैं, वही सबसे पहले भक्ति में आकर के शास्त्र आदि बैठ करके लिखती हैं या लिखे हैं। इसीलिए आपको नहीं पता किसने लिखे हैं। अब जो प्रेजेंट में अभी हम ज्ञान में हैं, बाकी सब अगर आत्माएं कोई मनुष्य आत्माएं भक्ति में चल रही हैं तो कतई ये नहीं सोचिए कि अरे आप भक्ति करते हैं, आप सच्चे भगवान को नहीं जानते, ये तो गलत बात है, आपको जानना चाहिए। ये मत सोचो कि उन्होंने बैठ बनाए होंगे, तो वो भक्त हैं जरूर, लेकिन उनको वही जब चित्रों में भासना आती है भगवान की, आपने जान लिया, आपने ही बैठ के लिखे होंगे, किसको पता, है ना। तो इसीलिए कभी भी प्राउड नहीं करना, ना ही किसी से डिबेट करना, और ना ही किसी को, जिसको जो जो जिस समय जैसे जैसे जहां आकर के ड्रामा पार्ट मिला है वो अपना अपना एक्यूरेट पार्ट कर रहे हैं, किसी को संत आत्मा का, किसी को महान आत्मा का, किसी को देवात्मा का, किसी को ब्राह्मण बच्चों का, किसी को किसी धर्म का, किसी को किसी धर्म का, सबका अपना अपना पाठ है। एक आत्मा का पाठ ना मिले दूसरे से, तो बाबा कहते हैं ये सब जो भी शास्त्र हैं वो सब कहाँ के हैं, भक्ति मार्ग के। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए, इस्लामी नॉलेज थी क्या? इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज थी, नई बात हुई ना। यहाँ यह गीता रामायण भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं कि राम ने सीता को भगा दिया, उस धोबी के कहने पर अग्नि परीक्षा देने पड़ी। भला भगवान अपने पर, भगवान किसी को दुख दे? भगवान में इतनी शक्ति नहीं होती क्या कि वो अपनी पत्नी को रोक ना सके चोरी होने से? फिर उसे भगवान कैसे कहेंगे? तो कितना सब कुछ लिख दिया है, वहां जाकर के लव कुश हुए, फिर उनके ऊपर लांछ लगाया गया, फिर अग्नि परीक्षा दी गई। अरे क्या क्या कह दिया, एक सत्यवती, एक कलावती, एक बती, वो बती, रेत के मिट्टी के भगवान बनाओ, आपको सब सुख मिल जाएंगे। यदि यही सब करते हुए सुख होता, ये मंदिर में ही जाकर चढ़ावा चढ़ाने से लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में धन धान्य से भरपूर कर देती। यदि हम जाकर के भगवान से ये कह देते कि भगवान हम आपको 5 नारियल चढ़ाएंगे, हमारा ये काम बना दो, तो सभी देते ना, फिर नौकरी करके 5 नारियल देते और फिर बोल देते कि हमारा ये काम बना दो, बस बैठ जाते, है ना। तो ये तो सब अपने अपने कर्मों का है, जितने जिसके श्रेष्ठ कर्म उतना उनको श्रेष्ठ भाग्य। तो बाबा कहते इस तरह से जो भी है, कितने सब आदि झूठे कलंक लगाए हैं कि कृष्ण की पट रानियां थी, उन्होंने 108 रानियां थी, फलाना था ढिकाना था। तो बाप कहते हैं मेरी ग्लानी नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी ग्लानी होती है भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं। कारण ही है जब भूल गए और उनको जहां मन किया वहां छोड़ दिया, तो फिर भारतवासी महान दुखी बन जाते। तब मैं आता हूं, इस समय सब पतित हैं, सबको सारे विश्व को पावन बनाने में मैं आता हूं। इसलिए पतित दुनिया का विनाश करे, पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भाव बाप और वर्षे को याद करो। तुम यह राजयोग सीख कर सुदेवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है और इतनी ऊंची कॉलेज है यूनिवर्सिटी, तो हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक और बना रहा हूँ। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवास, कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है, भारत में हिंदू नारी को कहते हैं। तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं, मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी कहते हैं क्या? तो बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने क्या कहा, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा, देवी देवता बनने के लिए इस पुराने दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, मैपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी, अगर सेवा करते कभी यह संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो यह मैपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावन हार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बन कर रहे हैं। करण करावन हार वो है, आप करण हार किए जा रहे, निमित्त बन रहे हैं, निमित्त बन कर कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन, जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।